कंसिडर ए सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर में, तो भाई क्या दे रखा बेटा, इज ऑलरेडी ए एबिलियन ग्रुप, तो एबिलियन ग्रुप का मतलब क्या है, इट ऑलरेडी सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, ऑल द फाइव प्रॉपर्टी इट फॉलोज ऑलरेडी. देन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा, वट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, वट इज द इनवर्स, बेसिकली देखा जाए तो ये. तो हमें क्या मालूम बेटा, यदि हम बात कर रहे हैं इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट बेटा हमारा क्या कहता है, यदि ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, हम एक कोई भी एक नंबर ले रहे होंगे ए, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आइडेंटिटी एलिमेंट से, और इट गिव्स यू ऑलरेडी नंबर ए, यही तो होता है इसका मतलब, यस या नो? नो. हाँ बेटा. यस सर. इफ इट सेटिस्फाई द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देन ए इनटू ई इक्वल टू ए, हमें क्या दे रखा बेटा, ए और ई की क्या दे रखी, डेफिनेशन दे रखी है, ए मल्टीप्लिकेशन ई की मतलब क्या है, ए बी बाई थ्री, इसका मतलब क्या हो गया, ए ई डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू ए, इसका मतलब यही हो गया, मैंने ये ऑपरेटर अप्लाई करा. अब क्या है, ए से यदि ए को मैं काटता हूँ तो क्या हो गया, इट गिव्स यू ई इक्वल टू थ्री, ई इक्वल टू थ्री क्या हो गया बेटा हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई इक्वल टू थ्री, तो ये तो बेटा हमारा ट्रू है. यहां तक किसी कंफ्यूजन तो ही बताओ बेटा, मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू थ्री कैसे निकाला, मैंने क्या करी बेटा, ये मुझे मालूम है कि एबिलियन ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या है, ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू थ्री दे रहा है हमें, इसको चेक करना तो क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या करती है, यदि कोई भी मैं नंबर उठाऊं और उसको मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर के साथ क्या करूं, जो भी ऑपरेटर है उसके साथ बेटा मैं उसको ऑपरेट करूं, तो इट गिव्स यू अगेन सेम नंबर, ये तो होता है, तो मैंने क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए ऑपरेटर ई इक्वल टू ए, तो ए ऑपरेटर हमें बेटा कोई भी दो ऑपरेंड के बीच की ये डिफरेंस ऑलरेडी दे रखी है, हमने ये अप्लाई कर दी, तो ए यहाँ बी की जगह पे ई है, ए ई डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे मैंने क्या है, ए से ए बेटा कैंसिल आउट हो गया, तो ई इक्वल टू थ्री, तो आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल टू थ्री, तो बेटा हमारी ये प्रॉपर्टी तो सही हो गई. अब इसके आगे निकालो बेटा, अब हमें क्या निकालना, इनवर्स, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, इनवर्स क्या कहता है, सिंपल बेटा जो प्रॉपर्टी है बस हमें वही यूज करना है, इनवर्स क्या कहता है हमारा, इनवर्स क्या कहता है, यदि मैं कोई भी नंबर ए लू और उसके साथ जो भी ऑपरेटर दे रखा है उसके साथ इसको मैं अप्लाई करूं ए इनवर्स के साथ, तो वो क्या होगा बेटा, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देना चाहिए, यही तो कहता है, क्या कहता है, कोई भी नंबर ए ऑपरेटर ए इनवर्स इक्वल टू ई, तो यहाँ पे क्या है बेटा, e की वैल्यू क्या है हमारी, थ्री दे रखी है, और a ऑपरेटर a इनवर्स का बेटा हमारा ये ऑपरेशन दे रखा कि कैसे हमें फॉलो करना है, तो उसको दोबारा हमने बेटा अप्लाई करा, तो क्या हो गया, a इंटू a इनवर्स डिवाइड बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री, तो इसका अंदर क्या हो गया, a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू नाइन, और इससे हमें ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स इक्वल टू नाइन बाई ए, इसका मतलब बेटा बी ऑप्शन भी हमारा सही है, पहला भी सही था और अब बी ऑप्शन भी सही है, किसी को कंफ्यूजन इसमें, हाँ बेटा बताओ जरा, किसी को इसमें कंफ्यूजन तो बताओ, हाँ बेटा बताओ, हेलो रिप्लाई मी, नो सर, नो सर, ओके बेटा, तो दो तुमने चेक कर ली, और उसके अलावा क्या है, इनवर्स ऑफ थ्री इक्वल टू थ्री, और हमारा क्या है बेटा, जो थ्री क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हमने ये मालूम है बेटा, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो बेटा हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसका इनवर्स क्या होगा, खुद ही वही होता है, तो सेम होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, वो इनवर्स भी क्या होता है उसका, खुद ही का वही होता है, तो ये क्या बेटा, डी प्रॉपर्टी हमारी इस बेसिस पे सही हो गई है. अब क्या बेटा लास्ट प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है, ये हमारा आंसर होगा, मतलब यही क्या है, नॉट ट्रू, उसको चेक भी कर लेते हैं, तो इनवर्स ऑफ टू बाई थ्री, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इनवर्स ऑफ टू बाई थ्री इज इक्वल टू सिक्स, तो इसका मतलब क्या है, इनवर्स, इनवर्स क्या दे रखा है, टू बाई थ्री,
वो एलिमेंट क्या है बेटा हमारा, ए की जगह पे क्या है 2/3 है और उसका ए इनवर्स क्या है 6 है, तो 2/3 ऑपरेटर 6 और हमारा क्या है बेटा ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है ये हमारा 3 हो गया। तो हमें क्या मालूम बेटा 2/3 ऑपरेटर 6, तो इसमें यदि ऑपरेटर दोबारा ये डेफिनेशन अप्लाई करें तो क्या होगा 2/3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है बेटा हमारा 3। क्या हम चेक करना है कि इसके इक्विवेलेंट आ रहा नहीं आ रहा, तो क्या आ रहा बेटा 3 इंटू 2 मीन्स क्या है 4/3 आ रहा है इधर को और राइट हैंड साइड में क्या 3 है, तो ये इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू, इसका मतलब क्या है कि बेटा 2/3 का इनवर्स हमारा 6 नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या बेटा सी आंसर इज अ ट्रू आंसर विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन। किसी को कोई क्वेश्चन तो ये बताओ बेटा इसके रिगार्डिंग, आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो तुम्हारे काफी कॉन्सेप्ट बेटा तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनका क्या यूज करना है, हमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आ गया बेटा ये? हाँ बेटा रिप्लाई करो, मैं आगे चलूं या इसको एक बार दोबारा बताना है क्या है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। आ गया सर। चलो फिर चलो ये सब तुम लोग कर लेना क्वेश्चन। इसमें बेटा देखो हमारे कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी आएंगे। हाँ अब हम बात करते हैं बेटा, देखो सिंपल सी बात है, अभी तक हम लोगों ने बात करी हमेशा इनफाइनाइट ग्रुप की, तो इनफाइनाइट ग्रुप में तो क्या है कि बेटा आसान होता है कोई चीज बताना, कि हमने कहा कि जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और प्लस इन्फिनिटी तक है, तो हम कह सकते हैं कोई भी हम दो नेचुरल नंबर उठाएं चाहे बड़े से बड़ा, तो क्या होगा बेटा वो हमेशा क्या हो जाएगा हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। मगर लेट सपोज बेटा हमारा बात करते हैं फाइनाइट ग्रुप की, फाइनाइट ग्रुप में क्या है कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए वो क्या हो गया हमारा फाइनाइट ग्रुप हो गया, और उसका जो ऑर्डर क्या होता है बेटा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें होंगे सही है, और यदि हमारा सिर्फ वन एलिमेंट इन द ग्रुप होता तो वो क्या होता हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होता था सही है। अब क्या है बेटा लेट सपोज मैंने एक नंबर लिया, एक लिया मैंने 0, 1, 2, 3 मैंने एक ये फाइनाइट ग्रुप लिया और मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर आइदर इट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी और नॉट, बताओ बेटा क्या ये हमारा सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। फिर वही बेटा सर नहीं करेगा ना, 3+1 4 हो जाएगा। हाँ वही मैं बता जा रहा बेटा कि इसमें 2+1 तो 3 है इसमें है, मगर जैसे ही हम 3+1 4 करेंगे या 2+3 करेंगे 5 हो जाएगा, तो वो क्या इसमें है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या है कि जैसे ही बेटा हम यदि सेट में एलिमेंट ज्यादा लेंगे, जैसे ही हम सेट में क्या है कि दो एलिमेंट से ज्यादा लेंगे तो जितना मतलब बड़ा सेट होते जाएगा नंबर आते जाएंगे तो क्या होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी पे फेल होती जाएगा। और यदि बेटा हम चलो लेट सपोज बेटा दो ही नंबर लें, लेट सपोज बेटा दो नंबर 0 और 1 लें, तो क्या बेटा ये बताओ कि 0 और 1 पे क्या कौन ये क्या ग्रुप बन पाएगा नहीं बन पाएगा, चेक करो एक बार। जीरो और वन सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो विद रिस्पेक्ट टू यदि हम प्लस ऑपरेटर ले लेते हैं तो 0+1 1 होगा और 1+1 बेटा 2 हो जा रहा है, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। यस या नो? यस सर। इसको ऐसे भी देख सकते हो तुम लोग, फाइनाइट ग्रुप को बेटा हम हमेशा टेबल से देखते हैं, हमारा ऑपरेटर क्या है प्लस और ऑपरेंड क्या है 0 1 0 1, तो 0+0 0 0+1 1 1+0 1 1+1 2, तो 2 आ गया बेटा, 2 क्या है बेटा अगेन ये क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी फेल हो गई। अब लेट्स सपोज बेटा मैं कुछ और नंबर लेता हूँ, यदि मैं लूँ -1 और मैं +1 लूँ तो क्या होगा बेटा, नाउ सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी और नॉट? नो सर। -1 1 -1 1 विथ रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर, तो -1 प्लस -1 क्या हो जाएगा -2,
तो ये पहले में ही फेल हो गया। अच्छा बेटा यदि मैं अब इसमें क्या करूं, मल्टीप्लाई ऑपरेटर करूं, चलो पहले जीरो वन के केस में यदि मल्टीप्लाई ऑपरेटर अप्लाई करें तो क्या होगा, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो इंटू वन, अब क्या आ जा रहा बेटा ये वैल्यू हमारी जीरो आ जा रही है, और वन इंटू जीरो जीरो आ जा रहा, वन इंटू वन क्या आ जा रहा है वन आ जा रहा। तो हमें ये मालूम है कि जीरो वन के केस में क्या है विथ रिस्पेक्ट टू, यदि हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है बेटा ये सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी को, मगर इन द केस ऑफ प्लस ऑपरेटर क्या हो रहा है बेटा हमारा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी को। और ऐसे ही बेटा इसको देखें हम माइनस वन इंटू वन को, तो माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जा रहा है हमारा प्लस वन हो जाएगा, मल्टी इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर माइनस वन इंटू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा, वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, और वन इंटू वन क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो इतना हमें बात समझ में आ रही है इन द केस ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और हमारा क्या है यदि सेट छोटा है तो क्या है बेटा हमारी कहीं ना कहीं क्लोजर प्रॉपर्टी को हम सेटिस्फाई कराना आसान है, मगर इन द केस ऑफ प्लस ऑपरेटर में इसमें बहुत सारी दिक्कत है। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो ये बताओ बेटा पहले, यहाँ तक बताओ बेटा फिर मैं आगे बढ़ो। नो सर। तो बेटा तो हमें बेटा इसमें पहले कुछ चेक कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनाइट ग्रुप। तो यदि मैं जीरो को लूंगा विद रेस्पेक्ट टू प्लस, तो जीरो प्लस जीरो क्या होगा जीरो ही होगा, तो ये क्या होगा हमेशा हमारा फाइनाइट ग्रुप होगा। एक बात समझ लो बेटा फाइनाइट ग्रुप के केस में हमेशा हमें जनरली क्या चेक करना होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, यदि क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर यदि वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये समझ लो एट एनी हाउ बेटा वो ग्रुप बन ही जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हमें चेक करना। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या है जीरो इंटू जीरो जीरो ही होगा, वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ये क्या है ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा वन विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर, वन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर पर वन ही देगा तो ये हमारा होगा। फिफ्थ क्या है बेटा जीरो वन, तो जीरो वन हमने देख लिया था अभी प्लस के केस में क्या है जीरो प्लस जीरो जीरो आएगा, जीरो प्लस वन वन आएगा, वन प्लस जीरो वन आएगा, और वन इंटू वन टू हो जाएगा, तो अगेन क्या बेटा जीरो वन विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। सिक्स क्या है जीरो वन मल्टीप्लाई का जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, और वन इंटू जीरो जीरो, और वन इंटू वन ये हमारा सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्या लिया बेटा हमने माइनस वन जीरो वन प्लस वन, माइनस वन जीरो प्लस वन, अब इन द केस ऑफ प्लस ऑपरेटर माइनस वन इन प्लस माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, तो ये क्या है बेटा यहीं पे फेल हो गया, तो इसको मैं आगे जाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या बेटा माइनस वन जीरो वन को इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में, तो माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा जीरो के केस में सब जीरो हो जाएंगे, और वन के केस में क्या है बेटा हमारा माइनस वन, और वन इंटू जीरो जीरो, और वन इंटू वन वन, तो ये क्या है बेटा हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसके अलावा क्या बेटा हमें क्या चेक करना है एसोसिएटिव हमारा कोई दिक्कत है नहीं, मल्टीप्लीकेशन और प्लस मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बोथ आर द एसोसिएटिव ऑपरेटर, तो मैं एसोसिएटिव चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड क्या होता है हमारा आईएनटी एलिमेंट, तो आईएनटी एलिमेंट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर में आईएनटी एलिमेंट क्या होता है बेटा हमारा क्या होता है वन, तो वन इज ऑलरेडी वन हमारा है ऑलरेडी, तो इसलिए ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब रही बात बेटा इनवर्स की, तो इनवर्स क्या कहता है हमारा यदि मैं कोई भी नंबर लूं और उसको किसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वो क्या दे मुझे आईएनटी एलिमेंट, तो आईएनटी एलिमेंट क्या है इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन जैसे मैं याला केस चेक कर रहा हूं तो वो क्या दे रहा है वन दे रहा है। तो टेबल में सिंपल चेक कर लो कि माइनस वन पे हमें वन कहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, तो ये क्या बेटा हमने माइनस वन के साथ यदि इसको ऑपरेट कर रहा है तो क्या मिल जा रहा है वन मिल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या माइनस वन इज द इनवर्स ऑफ माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है आईएनटी भी एग्जिस्ट कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है देन इट इज ए ग्रुप। इस तरह से हम चेक करना है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होता बेटा। हेलो हाँ बेटा रिप्लाई करो एक बार कैसे हमें चेक करना है आईएनटी एलिमेंट, तो आईएनटी एलिमेंट क्या है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटर होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना आईएनटी एलिमेंट कभी भी सेट नहीं देखना है। आईएनटी एलिमेंट चेक करने के लिए तुम्हें ऑपरेटर चेक करना है, यदि प्लस है तो जीरो हो गया,
और यदि मल्टीप्लीकेशन है तो वन होता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। अब क्या है बेटा, इनवर्स चेक करना, तो इनवर्स में क्या है, टेबल में ये देखो हमारे इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमें कोई भी नंबर उठाएं और उसके साथ ऑपरेट करें, जो भी ऑपरेटर गिवन है हमारा विद रिस्पेक्ट टू इनवर्स, तो वो हमें क्या दे, हमें आईएनटी एलिमेंट दे। तो आईएनटी एलिमेंट क्या है, जैसे ये हमने मल्टीप्लीकेशन के केस में देखा था, तो आईएनटी एलिमेंट क्या हुआ बेटा, वन। तो माइनस वन को हम किसके साथ ऑपरेटर करें कि वो क्या दे हमारा, वन दे। तो सिंपल बेटा टेबल उठा लो, माइनस वन में देखो वन कहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे दे रहा है माइनस वन। तो इसका मतलब क्या है, माइनस वन का जो इनवर्स है वो क्या है, माइनस वन ही है। इसी तरीके से वन का इनवर्स चेक करना है, तो वन का इनवर्स क्या है बेटा हमारा, वन है यहाँ पे दे रहा है। बट क्या है, जीरो का हमारा कोई, जीरो बेटा हमारा कोई इनवर्स नहीं है, सही है। वन का बेटा क्या है हमारा, माइनस वन का वन है, वन का हमारा वन है, तो जीरो का इनवर्स भी क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। सिंपल सी बात यह है, इसमें किसी को कंफ्यूजन बेटा ये बताओ। चलो फिर हम नेक्स्ट चले आगे। ऐसे बेटा एक बार इसको चेक करो, हेलो। हाँ बेटा इस टेबल को एक बार फिल करो।